हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट मेथड ऑफ कर्ल एंड स्पेशियल ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अल्टरनेट मेथड ऑफ कर्ल। तो देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था अपन ने उसमें डिस्कस कर लिया अल्टरनेट मेथड ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की वैकल्पिक विधि, और आई थिंक आपकी वो समझ में आ गई होगी। सेम मैं कहूँ कि लगभग वैसे के वैसे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस कर्ल को भी सोल्व करेंगे। तो इसका भी एक अलग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे यदि आपको यह पूछता है एग्जाम में कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के कर्ल, क्या पूछता है एग्जाम में, सदिश क्षेत्र कैपिटल ए वेक्टर के कर्ल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, तो आपको जो पहले जो मैंने करवा दिया उस डायग्राम के साथ में वही करना है। इसके लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल डेल क्रॉस ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल डेल क्रॉस ए वेक्टर। इसको अपन यहां पर प्रूव करेंगे बाय अल्टरनेट मेथड वैकल्पिक विधि द्वारा। एग्जाम में ये गिवन नहीं होगा, नॉट गिवन इन एग्जाम। अपन को इस मेथड के द्वारा ये सोल्व करना है, ये आपको आपको माइंडली आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, कर्ल की वैकल्पिक विधि, कर्ल की वैकल्पिक विधि लिख लेना, अल्टरनेट मेथड ऑफ कर्ल, अल्टरनेट मेथड ऑफ कर्ल। देखिए, स्टार्ट वैसे ही करना है, हम जानते हैं कि अदिश फलन फाई की प्रवणता, अदिश फलन फाई की प्रवणता, वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई क्या होता, फॉर्मूला डेल फाई इज इक्वल इवन केप ओवर एच वन डेल फाई अपॉन डेल यू वन, ठीक है, प्लस ए टू केप अपॉन एच टू डेल फाई अपॉन डेल यू टू, प्लस ई थ्री केप ओवर एच थ्री डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री, ठीक है। ये आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है आपको। माना लेट फाई इज इक्वल, क्या मान लिया अपन ने, यू वन, फाई इज इक्वल क्या मान लिया, यू वन, और आपको यह भी पता है कि यू वन यू टू यू थ्री क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर है ये। तो आपके पास में डेल यू वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, ईवन केप ओवर एच वन डेल यू वन अपॉन डेल यू वन, ठीक है, प्लस ई टू केप ओवर एच टू डेल यू वन अपॉन डेल यू टू, प्लस E3 थ्री केप और एच थ्री डेल यू वन अपॉन डेल यू थ्री, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, डेल यू वन अपॉन डेल यू वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू वन यू टू के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब जीरो, यू वन यू थ्री के ऊपर डिपेंड नहीं, इसका मतलब जीरो। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, अब ये बन रहा है डेल यू वन, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर वेक्टर लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा सकता, ये जो ग्रेडियंट है ना, ये एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें आई केप जे केप के केप होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। इज इक्वल क्या आ रहा है, इवन केप अपॉन एच वन, तो यहाँ से इवन केप इज इक्वल एच वन डेल यू वन, एच वन डेल यू वन, सिमिलरली E2 cap इज इक्वल
एच टू डेल यू टू और ई थ्री के एफ इज इक्वल एच थ्री डेल यू थ्री। ये इक्वेशन आ गई भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, सिंस ए वेक्टर क्या होता है, ई वन कैप ए वन प्लस ई टू कैप ए टू प्लस ई थ्री कैप ए थ्री, ई वन कैप ए वन प्लस ई टू कैप ए टू प्लस ई थ्री कैप ए थ्री। तो यहाँ पे इसको अपन लिखेंगे ई वन ए वेक्टर इज इक्वल ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यू, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऑन यूजिंग इक्वेशन वन, ऑन यूजिंग इक्वेशन वन ए वेक्टर इज इक्वल ए वन तो है ही ये वैल्यू एच वन डेल यू वन प्लस ए टू एच टू डेल यू टू प्लस ए थ्री एच थ्री डेल यू थ्री, ए वन एच वन डेल यू वन ए टू एच टू जो भी आपको पता है। अब देखिए नाउ इसका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ में, डेल क्रॉस ठीक है, ए वेक्टर डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा डेल क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू ए वन एच वन डेल यू वन प्लस ए टू एच टू डेल यू टू प्लस ए थ्री एच थ्री डेल यू थ्री। हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाए भाई, थोड़ा सा लेंथ टॉपिक। ये वैल्यू आ गई, अब आगे डेल क्रॉस कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल, देखिए ये जो है ना ये इस प्रकार की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद में जो आपको पूछ रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, भाई आपको एक के साथ में इस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पर ये जो डेल है इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ये होती है ई वन केप ओवर एच वन डेल ओवर डेल यू वन, ये सॉरी इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, डेल क्रॉस ए वन एच वन डेल यू वन ठीक है प्लस इसके साथ, अब इसके साथ डेल क्रॉस ए टू एच टू डेल यू टू प्लस डेल क्रॉस ए थ्री एच थ्री डेल यू थ्री, ये आ गया और ये हो गई इक्वेशन टू। ये क्या हुई इक्वेशन टू, अब मैं केवल इसी को सोल्व करूंगा, केवल इसी को, इसको सोल्व करके अपन इन सब की वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले मैं देखो ये फर्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं, नाउ डेल क्रॉस ए वन, देखो एक फॉर्मूला चलता है आपको, मैं उस फॉर्मूले को आपको बता देता हूं, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर मान लो, ये लो या फाई क्या मानो उसको कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे यू वेक्टर मान लो, यू वेक्टर इसको ऊपर कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले इस फाई को कॉन्स्टेंट फाई और ये हो जाएगा डेल क्रॉस यू वेक्टर, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह, फाई ऐसे कैसे और डेल क्रॉस यू वेक्टर प्लस अब क्या आएगा, अब आएगा डेल और फाई और इस यू वेक्टर को, ये फॉर्मूला याद रख लेना आप, सिंस इसको सिंस करके ये लिख लेना ठीक है। अब इसका यूज यहां पर करेंगे, कर दे इसका यूज, देखो सो फ्रॉम इक्वेशन वन तीन टर्म बन जाएगी इसकी, सो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल
यहां पर देखिए भाई, यहां पर आप कंपेयर करना है, ये जो क्वांटिटी है ये वाली, इसके ऊपर वेक्टर नहीं है ना, ये तो f(i) और मैंने क्या कहा था कि डेल एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या है, इसे u वेक्टर, ऐसे ये phi ये u, ये phi ये u, ऐसे आपको कंपेयर करके लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले phi, phi क्या है यहाँ पर, a1 h1 डेल क्रॉस, डेल क्रॉस क्या हो जाएगा ये u, क्या है यहां पर डेल u1, डेल u1 फर्स्ट क्वांटिटी प्लस डेल फाई, ये डेल और फाई क्या है यहां पर a1 h1 ठीक है, और फिर क्रॉस डेल u1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस इक्वेशन का यूज करना है यहां पर और फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है। कंपेयर मैंने बता दिया, इसको फाई मान लो, इसको यू वेक्टर मान लो, इसको फाई इसको यू वेक्टर, इसको फाई इसको यू वेक्टर। अब इसका ऐसे सेकेंड और थर्ड टर्म में यूज करो, ये हो जाएगा a2 h2 डेल क्रॉस डेल u2 प्लस डेल a2 h2 क्रॉस डेल u2 प्लस a3 h3 डेल क्रॉस डेल u3 प्लस डेल a3 h3 क्रॉस डेल u3। ये वैल्यू आ गई भाई। अब देखिए इसको आगे, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि यहां पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी जीरो हो रही है, क्या हो रही है, कुछ क्वांटिटी जीरो, सिंस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है जीरो, यानी डेल क्रॉस डेल फाई क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेल क्रॉस डेल और ये फाई, फाई का मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी, u3 u2 u1 स्केलर क्वांटिटी है ना, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी जीरो, ये क्वांटिटी भी जीरो और ये क्वांटिटी भी जीरो, ये तीन क्वांटिटी यहां पर जीरो हो गई। तो देयरफॉर डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या आ रहा है, डेल क्रॉस ए वेक्टर देखिए फर्स्ट टर्म जीरो, तो डेल a1 h1 क्रॉस डेल u1 प्लस डेल a2 h2 क्रॉस डेल u2 प्लस डेल a3 h3 क्रॉस डेल u3, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, यही आ रहा ना। तो आपके पास में ये किसको शो कर रहा है, ग्रेडियंट फाई, फाई का मतलब स्केलर क्वांटिटी, फाई यहाँ पर a1 h1 है, ये भी इस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये भी ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका यूज मैं अब कर रहा हूं। देखो यहां पर डेल क्रॉस u1 डेल क्रॉस u2 डेल क्रॉस u3 अगेन यूजिंग इक्वेशन वन, वन क्या थी, वन थी आपके पास में e1 इज इक्वल h1 डेल u1, ये थी ना, और e2 इज इक्वल इस प्रकार से थी। तो यहां पर देख लीजिए ना, डेल u1 की वैल्यू क्या है, e1 अपॉन h1, इक्वेशन वन चेक कीजिए, e1 केप इज इक्वल h1 डेल u1, तो यहां पर डेल u1 की जगह e1 केप अपॉन h1, ये वैल्यू यहां पर, ऐसे e2 के लिए, ऐसे e3 के लिए, ये इक्वेशन थ्री, सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये डेल a1 h1 क्रॉस e1 केप अपॉन h1 प्लस डेल a2 h2 क्रॉस e2 केप अपॉन h2 प्लस डेल a3 h3 क्रॉस e3 अपॉन h3 ये वैल्यू आ गई। अब फिर देखिए आगे, इसको मैं रब कर देता हूं,
आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए डेल क्रॉस कैपिटल ए वेक्टर, इस टर्म को सोल्व कर रहे हैं पहले, ये लीजिए यहाँ तक मैं ये वैल्यू रखूँगा क्रॉस ई वन कैप अपॉन एच वन प्लस यहाँ तक मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा क्रॉस ई टू कैप अपॉन एच टू प्लस ई थ्री अपॉन एच थ्री। देखिए इसको, इसको मैं स्केलर क्वांटिटी मार रहा हूँ तो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट क्या होता है, ई वन केप अपॉन एच वन डेल अपॉन डेल यू वन और फाई क्या है यहाँ पर ए वन एच वन, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ए वन एच वन प्लस ई टू केप ओवर एच टू डेल अपॉन डेल यू टू यहाँ पर ए वन एच वन प्लस ई थ्री केप ओवर एच थ्री डेल अपॉन डेल यू थ्री यहाँ पर ए वन एच वन, ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। ऐसे अब इसके लिए ई वन केप ओवर एच वन डेल ओवर डेल यू वन यहाँ पर ए टू एच टू प्लस ई टू केप ओवर एच टू डेल ओवर डेल यू टू ए टू एच टू प्लस ई थ्री ओवर एच थ्री डेल ओवर डेल यू थ्री यहाँ पर ए टू एच टू, ये मैंने लिख दी। फिर थर्ड प्लस ई वन केप ओवर एच वन डेल ओवर डेल यू वन यहाँ पर ए थ्री एच थ्री है तो ए थ्री एच थ्री प्लस ई टू केप ओवर एच टू डेल ओवर डेल यू टू यहाँ पर ए थ्री एच थ्री प्लस ई थ्री केप ओवर एच थ्री डेल ओवर डेल यू थ्री यहाँ पर ए थ्री और एच थ्री, ये वैल्यू आ गई भाई। अब आपको इसको सोल्व करना है, कैसे करना है देखो, डेल क्रॉस कैपिटल ए वेक्टर, डेल क्रॉस कैपिटल ए वेक्टर, ईवन क्रॉस ईवन क्या होता है जीरो, आई के डॉट आई, आई के क्रॉस आई के की वैल्यू जीरो होती है ना, ईवन क्रॉस ईवन जीरो, ठीक है। ई टू क्रॉस ईवन, ई टू क्रॉस ईवन क्या होता है माइनस ई थ्री, तो माइनस ई थ्री के नीचे एच वन एच टू, एच टू यहाँ से एच वन यहाँ से एच वन एच टू, ये क्या बन रहा है डेल ओवर डेल यू टू ए वन एच वन। ऐसे ई थ्री क्रॉस ईवन क्या होता है ई टू और ये एच थ्री एच वन, एच थ्री एच वन और ये डेल ओवर डेल यू थ्री और यहाँ पर ए वन एच वन, ए वन एच वन, ये वैल्यू आ गई। नाउ आगे देखिए, अब इसको लिखना है प्लस ई वन क्रॉस ई टू, ई वन क्रॉस ई टू क्या होगा ई थ्री, तो यहाँ पर ई थ्री ये एच वन वहाँ पर एच टू, तो एच वन एच टू, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर ए टू एच टू है ना, तो डेल ओवर डेल यू वन ए टू एच टू, ई टू क्रॉस ई टू जीरो हो गया, ई थ्री क्रॉस ई टू क्या हो जाएगा माइनस ई वन केप ओवर एच टू एच थ्री, यहाँ से डेल ओवर डेल यू थ्री और यहाँ पर ए टू एच टू, ये वैल्यू आ गई। प्लस अब यहाँ पर e1 वन क्रॉस ई थ्री, ई वन ई थ्री माइनस का e2, तो माइनस e2 टू केप डिवाइड एच वन एच थ्री, एच वन एच थ्री, अब क्या आएगा डेल ओवर डेल u1, यहाँ पर क्या है a3 s3, ठीक है। e2 टू क्रॉस ई थ्री क्या होगा प्लस का e1 वन केप यहाँ पर एच टू एच थ्री डेल ओवर डेल u2 ए थ्री एस थ्री, ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे डेल क्रॉस ए इज इक्वल वन ओवर एच वन एच टू एच थ्री, तो यहाँ पर फिर लिखना आपको ई वन केप
एच वन, ई टू केप एच टू, ई थ्री केप एच थ्री, डेल ओवर डेल यू वन, डेल ओवर डेल यू टू, डेल ओवर डेल यू थ्री, ए वन एच वन, ए टू एच टू, ए थ्री एच थ्री, ये लिख देना डायरेक्ट आपको, डायरेक्ट ये लिख देना। और ये वैल्यू क्या थी आपको पता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, हैंस प्रूव कंप्लीट। इसको सोल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लीजिए ये वैल्यू आएगी। मैं एक टर्म आपको मैच करके दिखाता हूँ, इसके लिए सोल्व करेंगे ना अपन ईवन केप के लिए। तो देखिए ईवन केप के लिए एच वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या आएगा एच टू एच थ्री, एच टू एच थ्री, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल ओवर डेल यू टू ए थ्री एच थ्री माइनस डेल ओवर डेल यू थ्री ए टू एच टू, ये वैल्यू आएगी। तो ई वन केप डिवाइड एच टू एच थ्री डेल ओवर डेल यू टू ए थ्री एच थ्री माइनस ई वन केप ओवर एच टू एच थ्री डेल ओवर डेल यू थ्री और ये ए टू एच टू, ये कोई सी दो टर्म, ई वन केप वाली टर्म देखो कहाँ पर है, ई वन केप की टर्म प्लस वाली यहाँ पर येल्लो, सेम, माइनस वाली यहाँ पर सेम, ये दो टर्म, ऐसे दो दो टर्म और सोल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट प्राप्त हो जाएगा, बहुत इजी है, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे मैंने एक्चुअल में करवा दिया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रूव दैट ईवन केप इज इक्वल एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। सिमिलरली प्रूफ फॉर ई टू केप एंड ई थ्री केप, इसी प्रकार ई टू केप ई थ्री केप के लिए भी सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ भाई, लिख लेना सिद्ध कीजिए कि ई वन केप इज इक्वल एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ई वन केप ई टू केप ई थ्री केप वक्र रेखी निर्देश तंत्र में एकांक सदिश है तथा H1, H2, H3, H1, H2, H3 स्केल गुणक है, स्केल गुणक है। हियर इवन केप ई टू केप ई थ्री केप आर यूनिट वेक्टर इन कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एच वन एच टू एच थ्री आर स्केल फैक्टर, आर स्केल फैक्टर। ये प्रूफ करना है, तो देखिए इसको, सबसे पहले लिखना है आंसर, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में अदिश फलन फाई की प्रवणता, अदिश फलन फाई की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
ये क्या है, डेल फाई इज इक्वल ई वन कैप और एच वन डेल फाई ओवर डेल यू वन प्लस ए टू कैप ओवर एच टू डेल फाई ओवर डेल यू टू प्लस ई थ्री कैप ओवर एच थ्री डेल फाई ओवर डेल यू थ्री। ठीक है, डेल फाई इज इक्वल, सॉरी लेट जो पहले क्या था, फाई इज इक्वल क्या मान लिया, यू वन एंड यू वन यू टू यू थ्री आर इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, यू वन यू टू यू थ्री स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। तो डेल यू वन इज इक्वल ई वन केप ओवर एच वन डेल यू वन ओवर डेल यू वन, ई टू केप ओवर एच टू डेल यू वन ओवर डेल यू टू, ई थ्री केप ओवर एच थ्री डेल यू वन ओवर डेल यू थ्री। डेल यू वन अपॉन डेल यू वन की वैल्यू वन, डेल यू वन अपॉन डेल यू टू की वैल्यू जीरो, डेल यू वन अपॉन डेल यू थ्री की वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि यू वन यू टू और यू थ्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी इनके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब डेल यू वन इज इक्वल ई वन केप ओवर एच वन, तो यहाँ से ई वन केप इज इक्वल एच वन डेल यू वन जो पहले भी अपन ने कर लिया। सिमिलरली इसी प्रकार ई टू केप इज इक्वल एच टू डेल यू टू, ई थ्री केप इज इक्वल एच थ्री डेल यू थ्री। ये वैल्यू आ गई, यहां पर क्या पूछ रहा वो देखिए, अब देख लो नाउ ई वन केप इज इक्वल क्या लिखेंगे, ई टू केप क्रॉस ई थ्री केप, सेम वही है, जे केप क्रॉस के केप क्या होता है, आई केप। इसी प्रकार से ई टू की वैल्यू एच टू डेल यू टू और ये एच थ्री डेल यू थ्री, एच टू और एच थ्री के स्केल फैक्टर कॉन्स्टेंट है तो इनको एक साथ लिख देंगे एच टू एच थ्री। अब क्या बच रहा है, डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। ठीक है, ऐसे ही ई टू केप क्या लिखेंगे, ई थ्री केप क्रॉस ई वन केप, एच थ्री एच वन हो जाएगा और यहाँ पर डेल यू थ्री क्रॉस डेल यू वन हो जाएगा। ऐसे ही ई थ्री केप क्या हो जाएगा, ई वन केप क्रॉस ई टू केप, तो ये वन टू है तो यहाँ पर एच वन एच टू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू वन क्रॉस डेल यू टू। बस ये हो गया प्रूफ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ईजी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसको अच्छे प्रकार से समझ लेना, इसको देखो, इसको स्पेशियल ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट टॉपिक है ये, स्पेशियल ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेशियल ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर, ये इतना पढ़ लो, स्पेशियल कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेशियल ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विशिष्ट लांबिक